जिसको भी दीजिए, जीतेगा हाँ। कौन वो बता दीजिए। अरे ठीक है, अब आप बाद में बता देंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम चाईबासा के में है और यहाँ मोदी जी का आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। ये लोग अच्छा, मोदी जी जो आए हैं अभी, कैसे लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा। और अब हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी आज हमारे चाईबासा कोलान क्षेत्र में आए हुए, इसीलिए उसको बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद। अरे मोदी जी जीत जाएंगे तो संविधान बदल देगा बोल रहा है, क्या है? संविधान तो बदल तो नहीं, संविधान तो बना हुआ, एक ही बार बदलता है, बार बार नहीं बदलता है। और आज इस बार अगर मोदी जी अगर हमारे फिर से तीसरा बार अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो झारखंड के क्षेत्र में अच्छा विकास होगा, अच्छा बच्चे लोग। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे कि गीता कोड़ा के नाम पे वोट देंगे कि जोबा माझी के नाम पे वोट देंगे? हम लोग कोलान का जो जुझारू कचकता श्रीमती है, हमारे जो गीता कोड़ा को हम लोग वोट एक नंबर बटन दबा करके विजय बनाएंगे। और हमारे इस क्षेत्र से हमारे जो सांसद बन करके आज दिल्ली तक उसको भेजने के लिए हम लोग काफी जोर दर से लगे हुए, इसीलिए कहाँ से हो हम लोग आए हुए हैं। हम लोग बंदगांव प्रखंड क्षेत्र के नकटी गांव से आए हुए और काफी दूर से आए हुए, और आज हम लोग चाईबासा तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उधर से बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? बीजेपी को तो बहुत कुछ यहाँ पर अभी जनताओं को धीरे धीरे जागृत हो जा रहा है। तो पहले तो लोक जागृति जेवीएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधीन तहत में वहाँ पर आकर लोग जेवीएम के ही हित में नारा लगा रहा था, और आज धीरे धीरे जागृत होने जा रहे हैं गाँव के अंदर में। जो आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो गांव क्षेत्र में विकास की नजरिया जो देख रहे हैं, उसी के तहत में आज गांव के क्षेत्र लोग विकास के देखते हुए आज मोदी सरकार या कमल छाप को वोट दे करके फिर से गीता को परिचय दीजिए। मेरा शुभ नाम मंगता गगरई। और आगे भी बात करते हैं, हम लोग बहुत कोई आए हैं, आप किस लिए आए हैं? हेलीकॉप्टर देखने की मोदी को देखने? मोदी को देखने आया। मोदी को नहीं देखा है? वोट किसको देना है? इधर देखे ना, वोट किसको देना है? किसको आया है उसको देने? कौन आया? कौन आया? गीता कोड़ा आया। गीता कोड़ा को देखना है, कहा है देना गीता कोड़ा को? कमल चाप में। थोड़ा सा ये हैं, उम्र के हैं, और ये हमको लग रहा है ये आपका क्या नाम हुआ? मेरा जर्मन कलोंडिया। जर्मन कलोंडिया हाँ। तो आप इस मोदी को देखने आए थे कि हेलीकॉप्टर को देखने आए थे? हाँ, मोदी को देखने। वोट कहाँ देंगे? वोट को तो हम जिसके मन पसंद है उसकी उसी को देंगे। मोदी को भी देंगे? मोदी को भी दीजिएगा? हाँ नहीं, यहाँ मोदी तो खड़ा नहीं है, यहाँ पे गीता कोड़ा खड़ी है। जी हम बोल रहे हैं, लेकिन अब इसी को देंगे, वो अभी नहीं बोलेंगे। अभी ठीक है, कभी भी बोलो। मतलब कैसे लग रहा है, गीता कोड़ा जीतेगी या की जो बम? अरे कोई भी जीतेगा, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम किसी को भी नाम दे सकते हैं। आप जिसको भी दीजिए, जीतेगा कौन वो बता दीजिए। अरे ठीक है, अब आप बाद में बता देंगे। अच्छा, कहाँ से हो? कहाँ घर का है? घर हम लोग का है बरवानी मंजारी प्रखंड। चलो मंजारी प्रखंड से आया है, और आपसे भी थोड़ा बहुत लेना है। चले आप ही बोलिए। डायरेक्ट मोदी से भेंट करके आए हैं? मोदी से भेंट करके आए हैं? पक्का? पक्का, रिसीव किए हैं। उधर रिसीव कर लिए हैं मोदी को? हाँ। क्यों ऐसे क्यों? हाँ मतलब रिसीव करने गए थे मोदी जी को। हाँ, अभी तो मोदी जी का भाषण चल रहा है और आप घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, घुसने नहीं दिया, भाषण सुनेंगे बोल के। भाषण सुनेंगे बोल के? हाँ मतलब घुसने नहीं दिया सर लोग ना। तो मोदी जी से मिल के कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी तो यहाँ मोदी जी तो खड़े नहीं है, गीता कोड़ा है और जोबा माझी है, दोनों में से कौन अच्छा लग रहा आपको? गीता कोड़ा। कैसे? अरे बाबू मत करना। कैसे? सबका विकास होगा बोल के। अच्छा हाँ, सबका विकास होगा बोल के ऐसा लग रहा कि विकास होगा? हाँ विकास होगा। तो गीता कोड़ा और ये में क्या अंतर है? हम जोबा माझी को तो नहीं जानते हैं। जोबा माझी को जानते ही नहीं है? आप कहाँ के हैं? जानने का जानते हैं, उतना नहीं पहचानते हैं। उतना नहीं पहचानते है ना? पहचानते भी नहीं है जो मामा जी को? पहचानते तो है, उतना नहीं ना सुने हम। अच्छा अच्छा, चलिए गीता कोड़ा इसके लिए फेमस है और मुझे फेमस है, मोदी सरकार फेमस है। कहाँ से? गाँव कहाँ है? हाट गमरिया। वहाँ तो आदिवासी लोग है। आदिवासी लोग है तो क्या, हम सब है। आपको लगता है कि वहाँ बीजेपी को वोट मिलेगा? मिलेगा। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। आप दो शब्द बोल दीजिए। मतलब क्या है, बदलाव होने वाला है कि अभी संसद दोबारा बनेगी, क्या उसी को बनाएंगे? जी उसी को बनाएंगे, बदलाव होगा। बदलाव जोबा माझी और ये गीता कोड़ा में क्या अंतर आपको दिखता है? जोबा माझी तो अभी अपने क्षेत्र में चार बार विधायक थी और मंत्री भी थी,
लेकिन कोई विकास नहीं कर, कोई विकास नहीं हुआ जी, पक्का ना ही कोई गांव में दौरा किया है ना ही कुछ, पक्का ऐसे बात है, ऐसा बात उसका बड़ा उसका गांव जाने में एक तो बड़ा पुलिया अभी तक बना नहीं है, ऐसे बात है। 5 साल अरे सुनने में आ रहा बहुत भरम फैल रहा है, अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो संविधान बदल देगा, कब आपको डर नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, संविधान को कोई नहीं बदलेगा, चलो ये संविधान को कोई नहीं बदलेगा इनको विश्वास है। आगे भी हम लोग बात करते हैं, क्या क्या लग रहा आपको मोदी जी आने से गीता कोड़ा जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि गीता कोड़ा जी ने पहले संसद रहते हुए काफी विकास के कार्य किए हैं और इस बार भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं उनसे, और गीता कोड़ा ही ऐसे सिंहभूम की एकमात्र ऐसे प्रत्याशी है जो सिंहभूम का विकास कर सकती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण लगुरी है, मैं टोंटो प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि आप लागुरी हैं, आप तो आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज तो बीजेपी को वोट नहीं देता, आप कैसे दे रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर विकास अगर हमको चाहिए तो यहाँ पर हमको बीजेपी को वोट देना होगा और गीता कोड़ा को वोट देना होगा। गीता कोड़ा और ये जोबा मांझी में क्या अंतर आपको दिखता है? गीता कोड़ा और जोबा मांझी में यही अंतर है कि विकास का जहाँ तक कार्य देखा जाए, जोबा मांझी के जब मंत्री थी हमारे कोल्हान को जो उनसे उम्मीदें थी विकास के संबंधित, उस विकास से वो विकास हमको देखने नहीं मिला और ना ही हम आदिवासी लोगों को विशेष लाभ दे पाई। इसीलिए सबका हमारा आदिवासी समाज भी ये चाहता है इस बार दोबारा गीता कोड़ा सांसद बने और संसद में हमारे आदिवासी के अस्तित्व और मान सम्मान के लिए आवाज उठाए और हमारे लिए लड़ाई लड़े। अच्छा, मतलब आपको इस बार गीता कोड़ा चाहिए यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। एक गीता कोड़ा को मतलब कैसे आप मतलब आपका जनता अगर देख रहे हैं तो आप क्या बोल के बोलेंगे कि गीता कोड़ा को वोट दीजिए? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि गीता कोड़ा जैसे स्वच्छ छवि और तेज तर्रार नेता यहाँ पर अगर इस बार का लोकसभा के जो प्रत्याशियों को देखा जाए, इसमें किसी के साथ मैंने अगला गीता कोड़ा छोड़कर बाकी जनप्रतिनिधि में जो प्रत्याशी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है और एकमात्र जो कैंडिडेट है गीता कोड़ा, उन्हीं से सिंहभूम का विकास हो सकता है, उन्हीं से विकास हो सकता है। इसलिए मैं पब्लिक से यही अपील करूंगा कि हमारे सिंहभूम के विकास के लिए गीता कोड़ा को आप सपोर्ट कीजिए, भारी मतों से वोट दीजिए, वोट दे के विजय बनाइए। ये बोल रहे हैं ये लागुरी जी हैं और ये बहुत कोई बोल रहे थे कि आदिवासी लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं है, आदिवासी लोग भी देंगे और गीता कोड़ा को पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे ना? बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। एक तो जेएमएम सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं आदिवासी बीजेपी का हितैषी नहीं है, बीजेपी आदिवासी की हितैषी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज आज आदिवासी समाज जाग चुका है, जागरूक हो चुका है, आज आदिवासी भी चाहता है विकास करना और जेएमएम सरकार। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण लागुरी, टोंटो प्रखंड से आता हूँ। क्या चाचा, क्या लगता है आप अभी तो अभी भाजपा का रैली में आए हैं, गीता कोड़ा जी जीतेगी ऐसा लगता है आपको? पूरी जीतेगी, पक्का पूरा। लगभग बहुत ज्यादा भीड़ था और इसी के साथ आप लोगों को पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।